अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इट्स मी नाइमा एंड यू वाचिंग कुक हेल्दी विद नाइमा। आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो चिप्स, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ये मैं घी या ऑयल के बगैर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं। जिस तरह हम नॉर्मल चिप्स बनाते हैं वैसे इसकी कटिंग कर लेनी है, जितने भी बड़े आपको चिप्स चाहिए। इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। सो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ सारी। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और चिप्स को हमने अच्छे से धोकर इसमें डाल देना है। और इसके साथ ही मैंने पानी ऐड कर देना है इसमें, और पानी इतना ऐड करना है कि जो आलू हैं उनसे थोड़ा थोड़ा ऊपर आए, बिल्कुल इसके बराबर नहीं डालना। सॉस पैन मैंने फ्लेम पे रख दिया है और मैंने चूल्हा भी ऑन कर दिया है। इस पॉइंट पे हमें बहुत सारा ध्यान रखना है। जैसे हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करने लगते हैं और एक कनी छोड़ देते हैं, तो इसी तरह हमने ये आलू भी बॉईल करने हैं। हमने बिल्कुल इनको बॉईल नहीं करना, इतना करना है कि एक कनी इनकी रह जाए। यानी जैसे ही इसमें उबाली आना स्टार्ट होगी हमने फ्लेम बंद कर देना है। जी तो यहाँ पर उबाली आ चुकी थी तो मैंने फ्लेम कर दिया है बंद और मैं अब इसे छान लूँगी। छानते वक्त मैंने पानी यूज़ नहीं करना, जिस तरह मैक्रोनीज होने के लिए करते हैं, बिल्कुल इसको पानी टच भी नहीं करना। ऐसे ही इनको ठंडा करना और मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखें इसमें कनी बाकी है, ये बिल्कुल बॉयल नहीं हुए। अगर बिल्कुल बॉयल कर देंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अब ये थोड़े थोड़े ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको कर लेना है खुश्क। आप किसी टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक नैपकिन का इस्तेमाल किया है। और इस तरह खोलकर मैंने इन्हें थोड़ी देर पड़े रहने देना और साथ ही फिर मैं इसको खुश्क कर लूँगी इसे, ताकि इसमें कोई पानी वगैरह ना रहे। चिप्स मैंने ड्राई कर लिए हैं अच्छे से और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। और याद रहे कि फ्राई पैन को ग्रीस तक नहीं किया मैंने। आप देख रहे हैं कि मैंने ऐसे ही बिल्कुल इसमें चिप्स डाल दिए हैं और फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है। जितना चूल्हा तेज़ होगा उतनी ज़्यादा ये अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। पाँच से छः मिनट लगे थे मुझे इसे कुक करते हुए और माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फ्राई पैन काफ़ी गर्म है तो साथ ही मैंने इनको निकाल लेना है वरना चाट मसाला जल जाएगा। माशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनी है, चिप्स बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऑयल में बनाएं तो ऑयल भी मज़े के बनते हैं, पर यह है कि ऑयल आलू के जितने भी विटामिन होते हैं उनको तबाह कर देते हैं। सो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप अपने बच्चों को ख़ुद बना कर दें और हेल्दी बना कर दें। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चिप्स अंदर तक गल चुके हैं, अच्छे बने हैं, बहुत ज़बरदस्त इनका जायका और खुशबू भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।